ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु का ध्यान करिए और आज सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तारपूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुखचंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई कि मैं अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न आदि जल का ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य को कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ रहते हुए भोजन नहीं ग्रहण कर सकते और यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अपना करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसकी दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जलित खम्भों से निर्मित अनेक प्रकार के स्फिटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चमर से सुशोभित गंधर्व अक्षराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और दूसरा इंद्र विराजमान थे। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ इधर उधर निकला। उसने शोभन को पहचान लिया। वो राजा का जमाई शोभन है और उसके निकट आया पहचान कर शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन पर से उठकर उसे पास बुलाया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा मुचकंद, आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है, आप अपना वृत्तांत कहिए। सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको यह कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से यह सब मुझे प्राप्त हुआ है। सुंदर, अत्यंत सुंदर है, परंतु यह अस्थिर है। यह अस्थिर हो जाए या स्थिर हो जाए, ऐसा क्या करूँ। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं अश्वमेध और वह उपाय करूँगा, इस समय को आप मिथ्या न गंवाइए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः वह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर में उनको श्रीनगर में देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर हो सके ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए? चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तू मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा उनका संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिलन देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वामदेव जी सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादि समस्त हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य महात्म को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति शुभ। ये थी एकादशी रमा एकादशी व्रत की पवित्र पावन कथा। अब हम मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो में। कथा को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।